दोस्तों, ये है टोयोटा का इनोवा क्रिस्टा। जी हाँ, 2400 सीसी के इंजन वाले इस गाड़ी में, यानी 2.4 लीटर के इंजन वाले इस गाड़ी में क्या क्या खूबियां हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब करें। डी ब्रेक असिस्ट, हील एसेंट, हील डिसेंट, ठीक है सर, मतलब ये मेजर हो गया। फिर ग्लोबल असेसमेंट बॉडी जो होती है, ठीक है, ग्लोबल असेसमेंट बॉडी को हम लोग बोलते हैं जीओए बॉडी, ठीक है सर। एंटी पिंच आपका सीट है, एडजस्टमेंट, ठीक है सर। ये जितने फंक्शंस हैं आपके स्टीयरिंग पर, क्या क्या आपका काम करता है इसमें? हमको ये ऑडियो कंट्रोल है सर, पूरा ऑडियो कंट्रोल यहाँ पे चेंज होता है। वॉल्यूम हो गया, ट्रैक हो गया, सॉन्ग, ठीक है सर। ये वॉइस मोड हो गया जो कि आप फोन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोन का इनकमिंग और कट, फोन रिकॉर्ड भी होता है इसमें, मतलब मैसेज पढ़ सकते हैं, हैंड फ्री कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज यहाँ रीड हो जाएगा आपका, अच्छा, स्क्रीन में, स्क्रीन में, ठीक है। ये MID है, स्क्रीन जलेगा तो उस पर मैसेज आपका मोबाइल पे आया तो वहाँ रीड हो जाएगा, चलाते हुए हम रीड कर सकते हैं मोबाइल, ठीक है। और क्या होगा इसमें? उसके बाद ऑटो क्लाइमेट एसी है, पावर मोड है, इको मोड है। जैसे बहुत स्पीड आपको चलना और पिकअप क्विक चाहिए, ठीक है, तो आप पावर मोड पे कर दीजिए। अगर आपको माइलेज चाहिए और स्मूथ राइडिंग चाहिए तो आप इको मोड पे कर दीजिए। यहाँ पे आपका माइलेज जो है वो 12 देगा, यहाँ पे आपको 15 प्लस रहेगा, 15 प्लस रहेगा माइलेज में। आपका स्टीयरिंग है जो टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों है, आपको जैसे एडजस्ट करना है, वैसे ऊपर नीचे करना है, आगे पीछे करना है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लॉक कर दीजिए। आपका सीट है जो ऑटो है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक आगे पीछे आप जो कर सकते हैं, बस पूछ की से आगे पीछे हो जाएगा। जो RVM देख रहे हैं वो ऑटो फोल्ड लेवल, यहाँ से स्विच है, इसको स्विच देंगे, देखिए ऑटो फोल्ड हो गया, ठीक है। हाथ बाहर लगाने की जरूरत नहीं है। सारा विंडो है जो वन टच है, सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे ऊपर, एक बार प्रेस करेंगे नीचे, एक बार प्रेस करने के बाद वो सारा लग जाएगा और एक बार प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। हाँ, और इसमें डबल लॉक है, ठीक है। एक बार हल्का सा प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, फिर आपको दबा के रखना पड़ेगा, और डबल लॉक है, फिर दोबारा जब प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट नीचे, तो दोनों ऑप्शन है आपके। अच्छा, हाइड्रोलिक भी है। हाँ, मतलब क्विक एक्शन भी होगा, स्मूथ भी होगा, मैनुअल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आधा पे रोकना है तो आप धीरे से दबा के रखिए, आधा पे रुक जाएगा, और पूरा दबाइएगा तो ऊपर चला जाएगा पूरा, वो चीज है आपका। इसको बोलते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये आपका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गया। इसमें क्या क्या डिस्प्ले करता है? 16 वैरायटीज है सर। पहला तो आपका सबसे ऊपर में रहेगा जो आपका नॉर्थ ईस्ट बेस शॉट बताएगा, आपका जो है दिशा बताएगा जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर गाड़ी चला है, जितना फ्यूल है उसमें कितना किलोमीटर चलेगा, रिफ्यूलिंग करवाने के लिए कितना तेल लगेगा, इंजन कितना देर से स्टार्ट है वो भी बता देगा आपको, ठीक है। OD और CD दोनों बताएगा, मतलब ओवरऑल कितना चला है, और आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं, मतलब सेकंड तरह का। उसके बाद इसी से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो ब्लू लाइट जल रही है इसको ग्रीन, येलो जो करना है वो। अच्छा, वो सारा LED लाइट्स के कलर को चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर गाना जो बजा रहे हैं उसका पूरा सेटिंग यहाँ पे चलाएगा, जो सॉन्ग्स है वो ब्लूटूथ से बजा रहे हैं, CD से बजा रहे हैं, ऑक्स से बजा रहे हैं, उसमें से बजा रहे हैं, FM AM जो सारा वहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा। उसके बाद इसी को रीसेट करने का भी, कि आप जैसे मोड में फैक्ट्री मोड रीसेट करेंगे तो फैक्ट्री मोड आ जाएगा। तो उसके बाद आपके पास अगर पैसा है, डॉलर पता नहीं है क्या दे रहा है इतना एक्सचेंज का, तो वहाँ पे पुट करेंगे इनपुट 1 रुपीज और डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए और पेमेंट डाल दीजिए। आपके पास मतलब 100 डॉलर कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्ट भी कर देगा वहाँ पे। अच्छा, करेंसी कन्वर्ट सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है। तो यही है, टोटल 16 फीचर्स है। गियर कितने हैं? क्या 5 गियर है और एक रिवर्स, 6 गियर, 5 मतलब आगे जाने के लिए, एक पीछे जाने के लिए। ऑटो गियर में भी गाड़ी आती है? ऑटो गियर में भी आती है, ठीक है। ऑटो गियर में 2.8 लीटर आएगी, मतलब 2800 सीसी जो फॉर्च्यूनर का। सिक्योरिटी फीचर्स बताइए, इसमें क्या क्या सिक्योरिटी का चीज़ है? देखिए सर, सिक्योरिटी में यही पे आप पढ़ लीजिए सारा, मैं बता दूँ। कितने एयरबैग हैं इसमें? ऐसे फिजिकली आपको 9 मिलेगा काउंट करेंगे तो, लेकिन 7 एयरबैग कंपनी बोलती है फिजिकली। हाँ, 7 एयरबैग कंपनी बोलती है, फिजिकली 9 है इसमें। अब देखने का है तो देख लीजिए, एक, ठीक है, उस साइड है 2, ये हो गई 3, ठीक है, यहाँ हो गई 4, नीचे में है यहाँ 5, ठीक है, पैर को भी सेव करेगा। हाँ, फिर देखिए ये हो गए 6, यहाँ 6, यही कमर के साथ उधर है 7, और पीछे में 2 है 9, पीछे में इस सीट के जस्ट पीछे वहाँ। अच्छा, उसमें कॉर्नर में, मतलब कि उधर साइड से बचाएगा, तो टोटल 9 एयरबैग है अगर पीछे की बात करेंगे तो, 9 एयरबैग इसमें हो गए। और तो ये सेफ्टी फीचर, और सेफ्टी में क्या क्या चीज़ है इसमें? और सेफ्टी में देखिए आपका क्या क्या है, ठीक है, मैं वो दिखा देता हूँ। इसे SRS एयरबैग है, ठीक है, 9 हो गई। ABS BTVD ब्रेक असिस्ट, आप जनरली ब्रेक असिस्ट क्या होता है? हाँ, यही चीज मैं बताने जा रहा था।
ABS तो जानते होंगे, ABS तो जान रहे हैं, ABS और EBD भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट मतलब होता है। आप बता ही दीजिए एक बार क्या होता, सर नहीं जानते हैं। आप नॉर्मल गाड़ियों में ना आपको प्रेस करना पड़ता होगा हार्ड ब्रेक, इसमें सिर्फ टच करना, ठीक है। जैसे कोई इंसान होते हैं बहुत वीकनेस होता है उनको, उतना प्रेस नहीं कर पाते हैं, जैसे ट्रक में कैसे प्रेस करना पड़ता है उस टाइम से, ठीक है। और कोई लेडीज़ वगैरह चला रहे हैं तो उनको से प्रेस नहीं होता, तो बस हल्का सा टच कीजिए गाड़ी रुकेगी, उसी को बोलते हैं ब्रेक असिस्ट। अच्छा ठीक है, तो ब्रेक असिस्ट हो गए। उसके बाद देखिए हील स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल, मतलब पीछे गाड़ी ढलेगी नहीं 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेगी। जैसे गियर है, ब्रेक मारे हुए, अब ऊपर की ओर चढ़ना है, तो जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे तो पीछे ढलेगी, तब तो एक्सीलेटर देंगे तो ढलेगी नहीं। अच्छा ठीक है, वो 30 सेकंड तक होल्ड करेगी, 30 सेकंड में तो आप आगे बढ़ा लीजिएगा, तो है हील असिस्ट, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल असेसमेंट बॉडी जो बताया आपको, ग्लोबल असेसमेंट बॉडी ये जापानीज एक टेक्नोलॉजी है, खास करके टोयोटा में जब एक्सीडेंट होती है ना, तो अदर गाड़ियों में आप 100% चांसेस है कि लैप्स हो जाएगी गाड़ी, वहाँ पे मात्र 60% टाइम पर होगा गाड़ी, कोई भी एक्सीडेंट कोई भी कोलैप्स में, ठीक है, मात्र 60%। इसी को बोलते हैं ग्लोबल असेसमेंट बॉडी, ठीक है। ये सिर्फ टोयोटा ही देती है, दूसरी कोई कंपनी कितनी भी बड़ी कंपनी का नहीं देती। वो हो गया। उसके बाद देखिए फ्रंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट सेफ्टी में आता है। उसके बाद रियर सीट बेल्ट है, उसके बाद चाइल्ड सीट बेल्ट भी है, ठीक है। बच्चे लोग के लिए अलग साइड में ऊपर से दिया हुआ रहता है, देखिए लास्ट कॉर्नर में ऊपर से, अच्छा, सबसे पीछे, तो चाइल्ड सीट भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रेक मॉनिटर है, ब्रेक मॉनिटर दो तरह से कर सकते हैं, एक तो रिवर्स कैमरा हो गया और दूसरा ये जो बीप बीप की आवाज़ है ये, ठीक है, तो आवाज़ भी करेगी। वो क्यों आवाज़ करती है सर? 100 meters से जैसे जैसे पास जाते रहिएगा और ऑब्जेक्ट आते जाएगी तो आगे चलने में भी पीछे आगे तो आप देखिए, जैसे रेयर में रहता है, रेयर इंडिकेटर, अच्छा वो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लच स्टार्ट है, जनरल गाड़ियों में आप जैसे पुश कर दिए, हम बैठे हुए आप पुश किए ना, अभी चाबी मेरे हाथ में तो स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं स्टार्ट होगी गाड़ी जब तक कि आप फुल क्लच नहीं लेंगे, ठीक है। दो हो गया क्लच, एक सेफ्टी फीचर्स हो गया, ठीक है। डोरेज और बार्निंग है, खुला हुआ है डोर, टी टी कर रहे, ठीक है, डोरेज और बार्निंग हो गया। और सबसे मेजर चीज़ है कि टोयोटा की गाड़ी को कोई चुरा नहीं सकता, इसको बोलते हैं इमोबिलाइज़। क्यों? चाबी नहीं है तो क्या करेगा वो, ये चाबी ले लिए पुश स्टार्ट तो है। इसमें जो इमोबिलाइजर लगा हुआ रहता है ना, वो सेंसर से रहता है, चिप से, ठीक है। कभी नहीं सुने होंगे कि टोयोटा की गाड़ी कोई चोरी की है, इसीलिए हम लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं, तो गाड़ी खरीदते समय मान लिया कि आपने 25 लाख लगाया, एक्सेसरीज लगाई, इंश्योरेंस लिया, रजिस्ट्रेशन लिया, वारंटी ली, ठीक है, कैसे तो टोटल आपने 25 लाख लगाया, गाड़ी का कीमत है 15 लाख, 10 लाख तो इंश्योरेंस पैसे ये में लगाया। अगर तीसरे साल में गाड़ी चोरी हो गई या टोटल लैप्स हो गया, तो आपको क्या मिलेगा दूसरी कंपनी में? 15 लाख का 30% घटा दीजिए, सिंपल सा उसका ये फंडा होता है, तो 15 या 45 तो 10.5 लाख रुपया। लेकिन मेरे साथ ऐसा अगर घटना होता है तो 25 लगाएं तो 25 वापस। मॉडल कौन सा है ये? ये ZX है सर। ZX जी, ठीक है। क्या प्राइस है इसका, ऑन रोड प्राइस बताइए? 23.5 लाख रुपया आएगा।